इस वार्ता में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जो न्याय योजना का अनाउंस माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है वो 25 करोड़ परिवारों के लिए उस सुविधा का लाभ मिलेगा। जो भारत सरकार के आंकड़े हैं 27.5 करोड़ लोग हैं जो कि इस रेखा में आते हैं, जिसमें 25 करोड़ को अभी कवर किया गया। जो लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, जो पार्टियां इस पे सवाल, जो नेता सवाल उठा रहे हैं, उनकी बेचैनी से साफ मालूम पड़ रहा है कि तीर निशाने पर पड़ा है। क्योंकि कांग्रेस के लिए ये बताने के लिए बहुत वो नहीं है कि पिछला इतिहास है, 2009 में भी कर्ज माफी हुई थी, इस सरकार ने भी कर्ज माफी की, कितने उसमें बैरियर्स डाले गए हैं ये किसी से छुपा नहीं। आज जनता के बीच में जाइए, कांग्रेस जो करती, हमने तो पहले भी कहा था कि कांग्रेस अगर घोषणा करेगी तो लोग विश्वास करेंगे कि पूरा होगा, क्योंकि जो स्टेट्स में सरकारें बनी, सरकार बनते ही सबसे पहले कर्ज माफी का जो ऐलान था उसको पूर्ण करने का काम किया गया, और इसको भी जनता विश्वास करती है, चाहे वो नीति आयोग से घोषणा कराएं, चाहे वित्त मंत्री घोषणा करें। और ये बहुत नया योजना जनता के बीच में बहुत लाभकारी साबित होगी आने वाले समय में, और इसका आम जन के लिए बहुत फायदा होगा। यही सब बातें आप लोगों के लिए बताने के लिए आप लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया, धन्यवाद। सरोज जी, इस बार चुनाव मैदान में कांग्रेस के पास कुछ समीकरण बदले हैं, उसके बाद किन मुद्दों को लेकर आप आंवला में आएंगे, ऐसी कौन सी चीजें जिनकी जरूरत है आंवला वासियों को? देखिए, आंवला में कुछ हुआ ही नहीं, जो लोग जनप्रतिनिधि बने थे सिर्फ उन्होंने अपना विकास किया, क्षेत्र के विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री सड़क योजना में मैंने 450 करोड़ की सड़कें सांसद योजना में मैं आंवला क्षेत्र के लिए लेके आया था, और 10 साल में प्रधानमंत्री सड़क योजना की कोई भी सड़क प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्तावित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खनन के काम चलते रहे, लोडिंग अनलोडिंग के काम चलते रहे, अपनी कोठियां बनाने का काम चलते रहे, यही सब चीजों को जनता अच्छी तरीके से जानती है, और हमारे और जो प्रत्याशी हैं उनके बीच का फर्क भी जानती है। जो तीसरे प्रत्याशी हैं उनके बाबत हम कुछ कहना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा मुकाबला उनसे नहीं है, जो हमारी मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी से, और वो तो बेचारी न 3 में न 13 में वो भरपाई जो कहीं का लिया गया था उसके लिए वापस न करना पड़े, इसलिए यहाँ पे लाके उस प्रत्याशी को दे दिया गया, धन्यवाद। जीत का गणित किस हिसाब से लगाया आपने अपना? क्या सोच रहे हैं कि हम कैसे जीत हासिल करें, क्या मुद्दे उठाएंगे? देखिए, हमने कभी कोई आधार भेदभाव का नहीं रखा है जब से मैंने राजनीति में, जो हमारे साथ रहा है डंडा ठोक के मैं उसके साथ रहा और उसके लिए लड़ा, पूरी ईमानदारी से लड़ा। आज मैं अपने मुंह से कहने का मतलब है मियां मुट्ठू बनना, जो लोग जहां से खड़े हुए हैं, कोई पंचर जोड़ने वाला था 200 करोड़ का आदमी, हम तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए थे, जिम्मेदार परिवार, हमारे पास तो 2 करोड़ भी नहीं है। बड़े बड़े ठेके, बड़े बड़े काम कैसे हो रहे हैं ये सब जनता जानती है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, वो समझते हैं, उस समय पे फैसला देंगे, आप लोग सत्य
क्षेत्र के इसका कैसे निराकरण होगा? गन्ना किसानों में देखिए हम सरकार में नहीं है, अगर आप आते हैं तो, आते हैं तो समाधान होगा और उनकी समस्याओं का निस्तारण होगा।